हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट, इसका हमारा यूनिट फोर्थ का लास्ट लेक्चर है। तो बेसिकली हम इसमें आज डिस्कस करेंगे अपने मिसलेनियस कंपाउंड के अंदर एस्ट्रिंजेंट्स हमारा टॉपिक है, और इसके अंदर जो भी मिसलेनियस कंपाउंड जो भी इंपोर्टेंट्स होंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे, उनके बारे में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सुजेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक है हमारा एस्ट्रिंजेंट्स। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो इस यूनिट की, तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाएं, हमारी प्ले लिस्ट में जा करके आप इससे पहले की वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो वॉच करें, आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और यूनिट वन से लेकर के यूनिट फोर तक ऑलरेडी जितना भी आप हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो भी शेड्यूल है, वो सब हमारे ऑल टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ये हमारा यूनिट फोर्थ का लास्ट लेक्चर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स बेसिकली होता क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड उसके क्लासिफिकेशन करेक्टरिस्टिक क्या है, और उसके अंदर जो भी हमारे कंपाउंड होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या होता है, तो द वर्ड एस्ट्रिंजेंट्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि जो हमारा एस्ट्रिंजेंट्स शब्द है ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड से, ठीक है, जिसके लिए एडस्टर जीर कहा जाता है, विच मीन इसका मतलब है कि बाइन फास्ट, ठीक है। एन एस्ट्रिंजेंट्स इज ए केमिकल कंपाउंड, और जो भी हमारा एस्ट्रिंजेंट्स है वो केमिकल कंपाउंड है, दैट टेंड टू श्रिंक, जो कि अपना वर्क करता है, टेंड करता है टू श्रिंक और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है, इस तरह से अपना वर्क करता है, श्रिंक करता है हमारी बॉडी के लिए, एंड बॉडी टिश्यू के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड प्रेसिपिटेट द प्रोटीन, और जो भी हमारा प्रोटीन होता है, दे फ्रॉम प्रोटेक्टिव लेयर जिसे हम कहते हैं, वो दे फॉर्म जो भी हमारा प्रेसिपिटेट होता है प्रोटीन का, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर से फॉर्म होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्किन पर, जो भी हमारी स्किन होती है उसके सरफेस पर जो भी हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वहां पर ही अपना जो है इफेक्ट शो करता है। और इसके बाद में हम देखें, ड्यू टू देयर प्रोटीन एक्शंस दे आर एबल टू रिड्यूस सेल परमेबिलिटी, दे यूजली अप्लाई, जो कि ये अप्लाई किया जाता है टू डैमेज स्किन पर, जो कि जो हमारी स्किन हो डैमेज हो चुकी हो, एंड डैमेज हो गई हो स्किन टॉपिकली और स्किन के ऊपर, और टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इंक्लूडिंग द माउथ, जो कि माउथ में इंक्लूड होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और वहां पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी जो है अपना इफेक्ट दिखाता है। तो इस तरह से इसका एस्ट्रिंजेंट का यूज किया जाता है, इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। और ये एस्ट्रिंजेंट हमारा बेसिकली होता क्या है, तो सिंपली में आपके अगर एग्जाम में आए तो आप सिंपली एस्ट्रिंजेंट की बेसिकली केवल डेफिनेशन लिखें और बहुत करें तो ये वाली लाइन लिख दें, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, और ये एडस्टर ये वाली जो टर्म लिख दें और आपके लिए सफिशियंट है। और बेसिकली इसकी डेफिनेशन तो वो है ही, केवल बहुत सिंपल है, जो कि एन एस्ट्रिंजेंट इज अ केमिकल कंपाउंड दैट टेंड टू श्रिंक और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड प्रेसिपिटेट द प्रोटीन दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन, ठीक, इतनी आप लिख दें, इतना ही आपकी सफिशियंट है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स, यानी कि एस्ट्रिंजेंट्स के हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो बेसिकली इसमें प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इरिटेशन, ये हो गया है किसका, एंड इट पॉजिस लोकल एंटीसेप्टिक एक्शंस, ये जो है लोकल एंटीसेप्टिक एक्शंस जो है वो पॉज करता है, एंड दे आर यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, और इसका यूज हम ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट्स, कोई भी हमारे हाथ वगैरह में छोटा सा कट लग जाए तो ये जो है ब्लीडिंग को स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। दे रिड्यूस लोकल एडिमा एंड इन्फ्लामेशन, और ये जो है लोकल एडिमा जो हमारा होता है उसके लिए, एंड जो इन्फ्लामेशन सूजन वगैरह होती है बॉडी पर उसको भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स, यानी कि एस्ट्रिंजेंट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली फर्स्ट हमारा है इसमें वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट्स। तो वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट में हमारा क्या आता है, टैनिक एसिड हो गया, गैलिक एसिड हो गया, एंड मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट्स में हमारे एल्युमिनियम साल्ट्स आती हैं कुछ, जिनमें एल्युमिनियम साल्ट का एग्जांपल हमारे एलम हो गया एंड एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जिंक साल्ट आते हैं, तो जिंक साल्ट में हमारे एग्जाम्पल जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड हो गया, एंड हमारे इसमें फेरिक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट,
स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए, किसके, मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इसमें जो एक टर्म है जो कि मिसलेनियस कंपाउंड्स, यानी कि ये किसी का टाइप्स है एस्ट्रिंजेंट्स का मिसलेनियस कंपाउंड, जो कि हमारा आइस और वेरी कोल्ड वाटर एल्कोहल, ये इसके इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इसी के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा कंपाउंड्स है जो सिलेबस में दिया गया है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो वो हमारा सबसे पहला है जिंक सल्फेट। तो बेसिकली जिंक सल्फेट होता क्या है, जिंक सल्फेट कंटेंट नॉट लेस देन 99.0% ऑफ ZnSO4 7.7H2O, ये हमारा होता है। इसके फिजिकल करेक्टर के बारे में बात करें तो इसका मोलिकुलर फार्मूला, सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला इसका ZnSO4 होता है। मोलिकुलर वेट इसका 287.54 ग्राम पर मोल होता है। कलर इसका वाइट ग्रेनुलर पाउडर फॉर्म में होता है। टेस्ट इसका मेटेलिक टेस्ट होता है। अडल इसका अडललेस होता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका 680 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी इसकी इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड फ्रीली सॉल्युबल इन ग्लिसरल एंड इन सॉल्युबल इन एल्कोहल में, ये सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्टोरेज के बारे में, तो इसके लिए हम स्टोर कर सकते हैं वेल क्लोज कंटेनर में। और प्रिपरेशन ऑफ जिंक सल्फेट के बारे में बात करें तो इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी कि किस तरह से हम इसके लिए बनाएंगे, तो उसके बारे में बात करें तो इसके लिए हम इट इज प्रिपेयर बाय बॉइलिंग स्लाइड एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटेलिक जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंटिल लाइब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टॉप। यानी कि इसके लिए हम प्रिपेयर करने की बॉइलिंग स्लाइड एक्सेस करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटेलिक जिंक लेंगे, इसके लिए हम डाइल्यूट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब तक लाइब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टॉप ना हो जाए। ठीक है, इसकी रिएक्शन के बेस पर देखें तो ZN प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ZnSO4 का फॉर्मेशन जो है ऑप्टेन हो जाता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन हमारा बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर प्योरिटी के बारे में, तो इसकी टेस्ट फॉर प्योरिटी देखें तो इट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अदर मैटर एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैंगनीज एंड निकल, इसकी प्रेजेंस में हम इसकी टेस्ट फॉर प्योरिटी कराते हैं इन कंपाउंड की प्रेजेंस में। डिटरमिनेशन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन के प्रेजेंस में हम इसका वो है टेस्ट फॉर प्योरिटी जो है डिटरमाइन करके देखते हैं तो इट इज डिटेक्टेड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस बाय मींस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशंस। द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज एड, यानी कि फिर हम उसमें जो भी हमारा प्रेसिपिटेट होगा फिल्टर का उसमें हम जो है और जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसके लिए हम ऐड करेंगे टू द फिल्ट्रेट में, फिर उसके लिए इवेपोरेट करेंगे एंड फिर उसके लिए ड्राइनेस करेंगे एंड द रेसिड्यू जो भी हमारा बचेगा उसे हम बे करेंगे। इस तरह से उसके लिए हम जो है टेस्ट फॉर प्योरिटी डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूज की जिंक सल्फेट के, तो जिंक सल्फेट एक तो हमारा इसका यूज जिंक सल्फेट इज यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट में यूज होता है इन द लोशन एंड आइस ड्रॉप्स में इसका यूज होता है। इट इज आल्सो यूज एस एन एमेटिक्स में इसका यूज होता है। इन मेडिसिन इट इज यूज टुगेदर विद ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस कंपाउंड पोटासियम, तो बेसिकली इसके लिए भी बहुत जल्द से देखते हैं तो पोटासियम बेसिकली क्या होता है, पोटासियम इज द कॉमन एलम विच इज आल्सो नोन एज पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि पोटासियम जो हमारा है तो बहुत ही कॉमन एलम है जिसके लिए एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट, जैसे कि एलम इज बोथ स्पेसिफिक एंड ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड है। केमिकल फॉर्मूला इसका K2SO4 N2SO4 का होल थ्राइस 24H2 होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 4.4 ग्राम पर मोल होता है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि पोटासियम के लिए बनाते कैसे हैं, तो इन लेबोरेटरी यानी कि लेबोरेटरी में हम इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट लेंगे एंड एल्युमिनियम सल्फेट लेंगे, उसके लिए हम मिक्स करेंगे एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, फिर जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसे हम कंसनट्रेट करेंगे और फिर हमारे लिए ऑप्टेन हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। जो भी हमारे लिए ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑप्टेन होंगे उनके लिए हम पोटासियम जो है पोटासियम के होंगे एंड द एलम गेट सेपरेटेड आउट, फिर हम जो भी उसका एलम होगा उसके लिए हम सेपरेट आउट कर लेंगे। इस तरह से हम इसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाते हैं पोटासियम के लिए। रिएक्शन के बेस पर देखें इसके लिए तो K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके लिए हम जब ऐड करते हैं 24H2O के साथ तो हमारे लिए पोटासियम का फॉर्मेशन प्राप्त होता है एंड जो है 24H2O बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि K2SO4 प्लस वगैरह इनके लिए हम जब ऐड करते हैं और 24H2O के साथ तो इस तरह से हमारे लिए पोटासियम का फॉर्मेशन
प्राप्त होता है जो K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये हमारा पोटास एलम है इसलिए। ठीक है, हम बात करते हैं पोटास एलम की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कलर, इसका कलरलेस होता है एंड इसका आर्डर आर्डरलेस होता है। टेस्ट शॉर्ट टेस्ट होता है इसका एंड स्टेट फॉर्म इसकी क्रिस्टलाइन साल्ट में होती है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो ये बैरी सॉल्युबल और वाटर एंड इन सॉल्युबल इन एल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है। एप्लीकेशंस के बारे में बात करें इसकी तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन यानी कि यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका सबसे पहला तो यूज यही हो जाएगा, इट इज यूज एस एस्ट्रिंजेंट में इसका यूज होता है एंड यूज एस होम्योस्टेटिक एजेंट्स आइदर और एज सॉलिड और इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी वाटर को प्यूरिफाई करने में भी इसका यूज होता है एंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन सच एज जैसे कि यानी कि इसका यूज हम मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन बनाने में भी यूज करते हैं जैसे कि सच एज जैसे कि हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन में भी हम इसका यूज करते हैं जो भी हमारी इसकी ये वैक्सीन होती है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को यही बताना था इस वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो और वो इससे अगली जो वीडियो होगी वो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 5th की फर्स्ट वीडियो होगी। तो आप लोग इंतजार करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।